एससी वर्मा लाइट वेव का न्यूमेरिकल 19, एंग्स डबल स्लिट अपरेटस हैज स्लिट सेपरेटेड बाय 0.28 मिलीमीटर एंड स्क्रीन 48 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स. द होल अपरेटस इज इमर्स्ड इन वाटर एंड द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय रेड लाइट. इसकी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 700 नैनोमीटर इन वैक्यूम. फाइंड द फ्रिंज विड्थ ऑफ द पैटर्न फॉर्मड ऑन द स्क्रीन. तो अब यहाँ पे एंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे वही दो स्लिट, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 0.28 और स्क्रीन रखी है 48 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स. और यहाँ पे जो लाइट स्लिट को इल्यूमिनेट किया जाएगा वो लैमड़ा 700 नैनोमीटर है रेड लाइट यूज की हुई. और हमें कहा है कि फ्रिंज विड्थ फाइंड करो. तो ये फ्रिंज विड्थ कैसे फाइंड करते हैं हम? तो फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लैमड़ा डी अपॉन स्मॉल डी. लेकिन ये वैक्यूम में, लेबोरेटरी में जब हम एक्सपेरिमेंट करते तब, लेकिन अब ये पूरा सेटअप किसी पानी के अंदर लेके गए हैं, पानी के अंदर लेके गए तो वहां पे जो लाइट आ जाएगी उसकी वेवलेंथ तो चेंज होगी क्योंकि वो दूसरे मीडियम में, वैक्यूम में नहीं है, दूसरे मीडियम में तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है. तो वो वेवलेंथ कितनी आएगी? तो हमें पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. और ये वेलोसिटी क्या होती है? एन लैम्ब्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्ब्डा वेवलेंथ. और ये फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो वो चेंज नहीं होती. तो इतना आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो मटेरियल, मतलब यहाँ पे वाटर है तो ये मटेरियल में, मतलब वाटर में वेवलेंथ कितनी आएगी? तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आएगा. तो लैम्ब्डा ए अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. और लैम्ब्डा ए मतलब वेवलेंथ ऑफ यहाँ पर रेड लाइट जो दी हुई है वो दी है 700 नैनोमीटर, मतलब 10^-9 मीटर. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 यहाँ पे ऊपर लिख देंगे. तो ये 4 इसे डिवाइड करना है तो ए वेवलेंथ ये 4 × 4 = 30, 4 × 7 = 28, 2 × 4 = 5 = 20 × 3 × 10^-9, मतलब ये वेवलेंथ कितनी आ गई? 3 से मल्टीप्लाई करना तो 3 × 5 = 15, 1 × 21, 22, 2 × 3 = 3, 4, 5 × 10^-9 मीटर. तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी. तो ये बीटा लैम्ब्डा अभी अभी फाइंड किया 525 × 10^-9 और डी का डिस्टेंस ये दिया है 48 सेंटीमीटर, मतलब 10^-2 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, वो कितना दिया है 0.28 मिलीमीटर, मतलब 28 × 10^-2 और मिलीमीटर का फिर से मीटर करना है तो -3, मतलब ये आएगा -5. 4 × 7 और ये 4 × 1 = 12 और ये 7 × 7 = 49, तो ये 3 × 35 = 7, 5 × 12 = 60, ये 6 आ गया. 12 × 7 = 84, तो इनके एडिशन 90 आएगी. और 10^-9 और ये 10^-11 और ये +5 ऐड करना है तो ये आएगा 6 − 6, मतलब ये बीटा की वैल्यू आ गई 900 × 10^-6. ये 2 जीरो गए तो 9 × 10^-4 और इसमें से -3 निकाल देते हैं तो 9 × 10^-1 मिलीमीटर और इसे लिखेंगे 0.9 मिलीमीटर.